फोर्थ जनरेशन पढ़ेंगे हम, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड ए ड्रामेटिक चेंज इन द वर्ल्ड कंप्यूटर। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में चेंज कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर आर सिंगल स्मॉल सिंगल चिप्स कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग वेरी फास्ट कैलकुलेशन। जो ये सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जो था, बहुत ही स्मॉल सिंगल चिप कैपेबल था वो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के लिए। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब लार्ज आईसी, साइज इसका स्मॉल था, स्पीड इसकी बहुत फास्ट थी, स्टोरेज वेरी हाई थी, कॉस्ट इसकी बहुत कम थी, रिलायबिलिटी वेरी हाई, लिमिटेशंस कोई भी लिमिटेशंस थी इसमें, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ। टाइम पीरियड इसका 1971 से अभी की तारीख तक, आज भी जो हमारे पास कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली फोर्थ जनरेशन के हम यूज़ कर रहे हैं। सम एग्जांपल ऑफ जनरेशन ऑफ दिस कंप्यूटर, IBM 4300 एंड IS 2900। माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप डेट कैन डू ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर। द मॉडर्न PC पर्सनल कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारे PC देखा होगा आपने, जो कंप्यूटर लैब है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर है। द फिफ्थ जनरेशन फ्यूचर कंप्यूटर। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फ्यूचर में जो आने वाला है वो कैसा रहेगा। द कंप्यूटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मिलियंस ऑफ ट्रांसिस्टर बिल्ट अप ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांसिस्टर जो होंगे उसमें होंगे। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइज इसकी बहुत छोटी होगी, इसका स्पीड जो है बहुत फास्ट होगी, स्टोरेज भी बहुत बड़ी होगी, कॉस्ट इसकी बहुत कम होगी, लिमिटेशंस इसकी जीरो होगी, लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज, और टाइम पीरियड इसका ये कभी भी आने वाले समय में लॉन्च हो सकता है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।